Hi everyone, good morning. How are you all? I hope you all are doing great. So yeah, मेरा थोड़ा गला ख़राब है. तो आज मैं और मेरी फैमिली मीन्स फैमिली में सिर्फ मोम एंड डैड मी एंड माय मोम एंड डैड आर गोइंग टू जिब्बी एंड आई एम सो एक्साइटेड. आप लोग को पता है मुझे जिब्बी इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है. मेरी इतनी सारी यादें हैं वहाँ पे बचपन की. मैं वेकेशंस में वहाँ जाया करती थी एक दो महीने के लिए. पापा वहाँ जॉब करते थे, डैड्स वाई हमारा वहाँ पर आने जाना रहता था. सो बहुत ज़्यादा याद आती थी कि यार कब जाएंगे वापस. तो इतने टाइम बाद कम से कम एटलीस्ट 7-8 ईयर्स बाद जाना हो रहा है अगेन. सो या आई एम रियली हैप्पी. अपनी सारी पुरानी यादें ताज़ा करनी है और मैं आपको दिखाऊंगी मैं कहाँ कहाँ जाती थी, कहाँ क्या क्या करती थी. आई एम रियली एक्साइटेड, सो हैप्पी. बट एज़ ऑलवेज वी आर सो लेट, लेट्स गो. और 11:30 हो गए हैं, वी डोंट नो हम कब पहुँचेंगे. मे बी 4 and 5 o'clock. सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स गो. एंड ये आई डिसाइडेड टू वेयर दी सैंडल्स क्योंकि अभी जूते पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं है. सो या मॉम डैड भी रेडी हो गए हैं, वैसे अब हम निकलेंगे यहाँ से. यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, यू कैन सी यार ऐसे पसीने से लथपथ हो गया. ओह गॉड, वी आर वेटिंग फॉर पापा. पापा भी गाड़ी लेके आ रहे हैं. भाई इतनी गर्मी क्यों है यहाँ पे. मम्मी का फेस देखा था, पसीना सारा मेकअप धुल चुका है. मैंने तो लगाया नहीं, लगाया कुछ नहीं लगाया, बोला लगाया तो मैंने भी नहीं ज़्यादा. लेट्स वेट फॉर पापा. सो हम निकल गए हैं एंड यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है. इनके बारे में मैं बहुत ही आया था, मैं आपको है ना आया था. हाय, कैसा लग रहा है आपको अम्मा? बहुत अच्छा लग रहा है. आर यू हैप्पी? यस. अभी गर्मी लग रही है, हमें पानी भरेंगे आगे. हैवी ड्राइवर माय डैड. पापा के साथ ही मुझे डर नहीं लगता है, पापा चाहे 120 की स्पीड में चलाए. पापा इज सो रियली फोकस्ड ऑन रोड. ऑफ कोर्स हर वारी की तरह पापा भूल गए पैक अपना, जगा खाना मैं. एंड अभी मैंने अपने फ्रेंड को बोला आशी को आने को बाइक में कि प्लीज़ लेके आ जा. मैं इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा ना, पहले मैं इतने ज़्यादा लेट था. और ऊपर से जो मेन बैग सिस्टम हमारे शूज़ जो सब कुछ थे ना वो ही मतलब भूल गए वहाँ पे. और अभी हम यहाँ पे तब तक वेट कर रहे, फालूदा वगैरह खा रहे, मम्मा आइसक्रीम वगैरह खा रहे. गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी ठंड पाने के लिए आइसक्रीम का सहारा लेना पड़ रहा है. और जो बैग भूल गई उसका क्या? वो तो पापा की ये है, गलती है. बादाम शेक मंगवाया. वो तो बादाम शेक खाएगा? हाँ, मेरे को भी देना थोड़ा सा. आपको करूँ? क्यों नहीं मिली मुझे? आइसक्रीम खाई है? मैंने खाई, एक बाइट खाया मैंने. और मेरा फालूदा का आटा खाएंगे पूरा, देखना मम्मी. पिघला दी, खाओ. अब देखो इस भूखे जानवर को, मंगवाया मैंने था अपने लिए और खाने बैठ गया. क्यों अपने से ज्यादा नहीं आप? नहीं हैं भूखू? इतनी बड़ी बाइट ले आओ. शुक्र कुछ तो दिया, लो हो गया. बैठ 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 आ रहा है पापा को दे दो. सो गाइस हम वापस नोगली पहुंच गए एंड यहाँ पे हम वेट कर रहे अपना सामान के आने का. और हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं. एक तो यहीं बज गया वापस, हमें 11:30 बजे निकले थे एंड वी आर सो लेट. और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना अभी.
एंड काफ़ी आगे आ गए, आनी हमने क्रॉस कर दिया है एंड मम्मा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो हमने सुबह ज़्यादा ब्रेकफास्ट भी नहीं किया ना, दैट्स व्हाई। तो आने टच कर दिया, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आराम से। यहाँ पे काफ़ी ठंडा पानी है, वो आ जाओ इधर, छींटे मारो अपने फेस पे, तब होने आप फ्रेश। इधर आओ, आगे करो और कुल्ला करो अच्छे से। पापा ने तो ना भाई एक बोतल भराने वाला बना दिया हमें, मैंने तो अपना पूरा फेस वॉश कर दिया, मुझे इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी ना, इतना चैप चैप सा हो गया था फेस भी। क्या हो गया भैया, मुझे पता नहीं किसने कट मार दिया यार। तो अभी हम थोड़ा सा इधर गाड़ी भी वॉश कर रहे थे, थोड़ा छींटे छूटे मार रहे थे। क्या हुआ, तो अभी हम यहाँ पे खाएंगे और हम पीछे भी रुके थे आनी में, तो मैं वहाँ स्वीट्स वगैरह ली। वी आर हैविंग आवर लंच इन आवर कार। मम पापा खा रहे भिंडी, मैं खा रही हूँ आलू एंड शिमला मिर्च, जो कि मुझे पसंद नहीं पर जबरदस्ती खिलाई जा रही है। जिस बात का डर था वही हुआ, वाइट में गिर गया। अगर मौसम अच्छा तो जलोड़ी भी रुकेंगे हम, मुझे थोड़ी डर भी लगती है। मैं बस इतनी थी यार। Now we are all set to go. थोड़ा सा हालत खराब हो गई है बाल चेहरों की, बट इट्स ओके, हम वहाँ जाके ग्रूमिंग करेंगे। फ्रेश भी हो गए, मम्मा भी थोड़ा बेटर फील कर रही है, तो अब हमने खा पी लिया है, अब हम चलेंगे सीधे जलोड़ी रुकेंगे, ठंडा ठंडा इलाका आएगा। लेट्स गो।